हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 7 का टैगोर एंड हिज इंडिया, रिटन बाय अमर्त्य सेन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एसे में राइटर कहते हैं कि प्रसिद्ध साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, संगीतकार व कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु सन 1941 में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। भारत की पहचान विश्व में उनकी रचनाओं के माध्यम से स्थापित हुई। 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और मार्च के महीने में लंदन में प्रकाशित होने के पश्चात नवंबर के महीने तक गीतांजलि की ढेर सारी प्रतियां प्रकाशित हुईं। लेकिन बाद में आप कह सकते हैं कि इसकी प्रसिद्धि थोड़ा कम हो गई। राइटर के अनुसार टैगोर आध्यात्मकवादी थे। पूरे विश्व के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। वह बंगला साहित्य के संस्कृति के सर्वथा आदरणीय हैं। एक रूसो राइटर हैं जिनका नाम है एना। उन्होंने कहा है कि टैगोर काव्य में हिंदुत्व और गंगा की शक्ति देखने को मिलती है। तो राइटर आगे कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदू थे और उनकी विरासत वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बांग्लादेश के मुस्लिम से नहीं जुड़े थे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। ये बात हम सभी को पता है कि इनके द्वारा दो देशों के राष्ट्रगान लिखे गए हैं। एक हमारे भारत का राष्ट्रगान जंगनमन और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। ये उन लोगों को अजीब लगता है जो हिंदू मुस्लिम ईसाई की सभ्यता के बीच में भेदभाव करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारिकानाथ अरबी और फारसी के विद्वान थे। टैगोर को संस्कृत व हिंदू शास्त्रों का गहन ज्ञान था और वह इस्लाम की परंपराओं व फारसी साहित्य की भी समझ रखा करते थे। अब आगे एसे में राइटर कहते हैं कि टैगोर जी ने एक आश्रम बनाया और उसका नाम रखा शांति निकेतन। टैगोर ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स, कृतियाँ और अपनी रचनाएं उन्होंने अपने आश्रम में ही लिखी। इसकी स्थापना उन्होंने 1901 में की थी। उन्होंने अपनी ही शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया। शिक्षा के संबंध में उनके अनेक मौलिक विचार थे जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर महान राइटर, शॉर्ट स्टोरीज राइटर, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। उन्होंने राजनीति, संस्कृति, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक विश्वास, दार्शनिक विषयों पर ढेर सारे निबंध लिखे हैं। आगे इस हिस्से में राइटर गांधी जी और टैगोर जी की तुलना करने के प्रयत्न करते हैं। टैगोर की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1941 को अपनी जेल डायरी में लिखा था कि टैगोर और गांधी भारत के तो महान नायक थे किंतु वह एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी सर्वश्रेष्ठ मानव थे। नेहरू जी लिखते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं टैगोर और गांधी दोनों के करीब रहा हूँ। रोमन रोनाल्ड ने एक भारतीय शिक्षाविद को लिखा कि वे दोनों ही महान आत्मा थे। अपनी डायरी में उन्होंने सीएफ एंड्रूज, जो एक अंग्रेज पादरी थे, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डायरी की बात हो रही है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि सीएफ एंड्रूज, जो एक अंग्रेज पादरी थे, उनके साथ व टैगोर और गांधी के विषय में हुए मतभेद के विषय में लिखा। गांधी और टैगोर में कुछ डिफरेंस भी थे। गांधी जी मूर्त पूजा में विश्वास रखते थे जबकि टैगोर मूर्त पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। गांधी जी के लिए ध्वज मूर्ति का प्रतीक था।
उन्होंने भारतीय ध्वज पर चरखा अंकित किया। गांधी जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयवाद प्राप्त करने के लिए हमें राष्ट्रवाद से होकर गुजरना पड़ेगा, जबकि टैगोर के राष्ट्रवाद देशभक्ति, संस्कृति और विज्ञान, आर्थिक व सामाजिक प्रकृति पर विचार अधिक वैज्ञानिक थे। यानी राइटर का मानना है कि जो ट्रेडिशनल सोच थी गांधी जी में और मॉडर्न सोच के व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। जवाहरलाल नेहरू अपनी डायरी में आगे लिखते हैं कि टैगोर भारतीय की भूखमरी और गरीबी पर बहुत उदास थे, किंतु वह 1947 में विभाजन के समय हुए संप्रदाय हिंसा पर और उदास होते। यहाँ पर राइटर अमर्त्य सेन का कहना है कि अगर 1947 में हुए विभाजन के समय जो संप्रदाय हिंसा हुए थी, अगर टैगोर जी उस टाइम जिंदा होते तो शायद और ज़्यादा उदास होते। पश्चिम में टैगोर को पूर्व का रहस्यमयी साधक माना जाता है। आगे राइटर कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत सहयोग किया, किंतु इसके साथ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए तर्कहीन विवाद व संकेत विचारों का विरोध भी किया, क्योंकि वे हमें अतीत के बंधक बना देते हैं। आगे सेन कहते हैं कि साइंस को लेकर भी गांधी जी और टैगोर जी के विचार अलग अलग थे। सेन 1934 में बिहार आए। वह एक भूकंप का उदाहरण देते हैं कि 1934 में बिहार में भूकंप आया था। उस समय गांधी जी छुआछूत की बुराइयों में उन्मूलन में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य के पापों के लिए दी गई सज़ा है। यानी यहाँ पर गांधी जी के कहने का ये मतलब था कि ये जो भूकंप आया है वो ईश्वर की तरफ से दी गई एक सज़ा है। टैगोर साहब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के बारे में नहीं जानते थे। मई जून 1926 में इटली की यात्रा के दौरान, जिसकी योजना कार्लो फार्मिची रोम विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रभूषण ने बनवाई थी, टैगोर शिक्षा के अभाव को अनेक सामाजिक बुराइयों का मूल मानते थे। शिक्षा के अभाव के कारण ही जाति भेद, धार्मिक संघर्ष एवं कार्यों से लगाव का न होना जैसी बुराइयां हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा आनंद देने वाली होनी चाहिए। टैगोर साहब ने लिखा कि शिक्षा उत्पादनशील होनी चाहिए। शांति निकेतन में उन्होंने अनुशासन के स्थान पर आत्म प्रेरणा पर बल दिया। सो स्टूडेंट, यह इससे यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।